हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो आज हम निकल पड़े हैं लॉन्ग ड्राइव पर मूर्थल डिनर करने के लिए। लेकिन मूर्थल का नाम तो आपने बहुत सुना होगा, जैसे कि अमरीक सुखदेव, पहलवान। लेकिन हम ना तो अमरीक सुखदेव जा रहे हैं, ना ही पहलवान जा रहे हैं। हम जा रहे हैं एक नई जगह पे, जहाँ पे आपको खाना ट्रेन में सर्व होगा। एकदम नया एक्सपीरियंस होने वाला है आज का। तो चलिए चलते हैं। ये हम पहुँच गए हैं अपने डेस्टिनेशन पे, रेशम ढाबा। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। ये हम अंदर आ गए हैं। गाड़ियां तो बहुत खड़ी हैं, यहाँ से तो लगता है कि अंदर बहुत भीड़ होने वाली है। तो अंदर चलते हैं। ये यहाँ पर इन्होंने बच्चों के लिए राइड्स भी लगा रखी है। ये मैं आपको दिखाता हूँ कैमरा मार के। और ये कैमल भी खड़ा है, अगर आप कैमल राइड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। 100 रुपीज़ की कैमल राइड है। और ये छोटे बच्चों के लिए राइड्स लगा रखी हैं, इसके जो चार्जेस हैं वो 100 रुपीज़ हैं। और फ्रेंड्स, आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, हमारी आईडी स्क्रीन पे आपको दिख रही है। तो अंदर लेके चलता हूँ आपको और मैं इसके बारे में बताता हूँ। और ये अंदर घुसते ही आपको सामने ये हार्ट दिखेगा, ये सेल्फी पॉइंट बना रखा है इन्होंने। और ये साइड पे 9D फन जोन और टॉयज एंड गिफ्ट गैलरी, और ये बच्चों के लिए गेम्स भी हैं यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ पे भी कुछ बन रहा है। अभी तो यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन कुछ काउंटर बन रहा है। तो उम्मीद है आने वाले समय में भी यहाँ पे कुछ बन जाएगा। और ये आपको मैं अंदर दिखाता हूँ, ये कन्फेक्शनरी स्टोर भी यहाँ पे है। और बाहर थोड़ी सी सीटिंग इन्होंने बना रखी है। ये देखिए, यहाँ पे भी पिक क्लिक की जा रही है। तो बाकी मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ, क्योंकि आज की वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है, एकदम नया एक्सपीरियंस होने वाला है हमारा। और ये अब हम गेट खोल के अंदर आ गए हैं। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, एक बड़ा सा हार्ट बना रखा है इन्होंने। ये भी एक सेल्फी पॉइंट है। देखिए, यहाँ पे लोग पिक्स ले रहे हैं। और ये मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ, ये इनका फूड काउंटर है, ये आप देख सकते हैं। ऊपर स्क्रीन भी लगा रखी है इन्होंने, टी, कॉफ़ी, शेक्स। और ये मैं आपको धीरे धीरे दूसरी साइड भी इसकी दिखा रहा हूँ, ये सामने आप देख सकते हैं। और ये अंदर जाते ही राइट साइड में भी सीटिंग बनी हुई है, लेकिन ये सीटिंग में आप देखिए ज़्यादा भीड़ नहीं है, ज़्यादा क्राउड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल फूड आपको मिलेगा, नॉर्मल जैसे बाकी रेस्टोरेंट्स में मिलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सीट्स खाली पड़ी हैं। और सामने आपको ट्रेन सर्व करेगी फूड, और वहाँ पर वेटिंग है। मैंने अपना नंबर ले लिया है, उन्होंने बोला है 10 to 15 मिनट्स लगेंगे, लेकिन यहाँ का क्राउड देख के लग नहीं रहा मुझे कि 10 से 15 मिनट में नंबर आएगा। चलिए वेट करते हैं और बाकी मैं आपको अंदर से एक्सप्लोर करवा देता हूं। और ये देखिए, सामने इन्होंने बड़ी सी स्क्रीन लगा रखी है और वहां पे ट्रेन बनी हुई है। और ये देखिए, सेंटर में एकदम पूरा रेलवे का ट्रैक बना रखा है, जिसके ऊपर से ट्रेन आएगी फूड को लेके। तो मैं यहीं खड़ा हो गया हूँ, पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ट्रेन कैसे आती है और कैसे जाएगी जब तक हमारा नंबर आ रहा है। ये देखिए, ट्रैक्स बना रखे हैं पूरे, और वो सामने 2 ट्रेन्स खड़ी हैं जो फूड लेके आएंगी। और लग रहा है एक ट्रेन आ रही है। हाँ, एक ट्रेन आई और वहीं पे चली गई। चलिए अभी वेट करते हैं, होपफुली आगे भी आएगी ट्रेन। एक ट्रेन देख सकते हैं आप और आ रही है, आगे लाइट जल रही है और पूरी ट्रैक पे आ रही है। एकदम नया एक्सपीरियंस है ये, आपने ऐसा रेस्टोरेंट कहीं नहीं देखा होगा, बिलीव मी, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है ये। ये देखिए, ट्रेन आ रही है, देखते रहिए। हर कोई यहाँ पे अपने मोबाइल निकाल के वीडियो बनाने में लगा हुआ है। ये ट्रेन आई और ये अंदर चली गई, वो देखिए पीछे फूड पड़ा हुआ है। यहाँ की पूरी सीट्स फुल हैं, और हर सीट पे हर फैमिली के साथ कोई ना कोई बच्चा ज़रूर है, क्योंकि बच्चों का एक्सपीरियंस इसमें बहुत ही अच्छा होने वाला है। देख देख के हर कोई देख के बहुत खुश हो रहा है, हर कोई वीडियो बनाने में लगा हुआ है, अपनी इंस्टाग्राम की रील्स बनाने में लगा हुआ है। इधर तो मैंने आपको दिखा दिया, अब मैं दूसरी साइड से आपको दिखा देता हूँ, जहाँ पे मैं दिखा रहा था कि इन्होंने फूड के काउंटर्स बना रखे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये ऊपर देखिए, जलेबी, गुलाब जामुन, खीर, डोसा, इडली, वड़ा, हर चीज़ यहाँ पे मिलेगी। मैं आपको पूरा बैठने के बाद मेन्यू भी दिखाऊँगा, ताकि आपको रेट का भी आइडिया हो जाए कि किस रेट में क्या मिल रहा है। बाकी ये आप देखिए, अभी आपको अंदर से भी मैं आपको दिखाता हूँ किचन में जाके। और ये डोसा पड़ा हुआ है, किसी का डोसा तैयार हुआ है।
और यहाँ पे आपको केक्स भी मिल जाएंगे। ये आप वीडियो को पॉज करके रेट्स देख सकते हैं। अगर आपको बर्थडे अपना सेलिब्रेट करना है तो आपको केक लेके आने की ज़रूरत नहीं है, केक आप यहीं से बाय कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं दाल मखनी, और ये आप देख सकते हैं कढ़ाई पनीर। जैसे जैसे पनीर आएगा इसके अंदर डलता रहेगा, और ये पनीर बटर मसाला है। ये ग्रेवी देखो, एकदम मज़ेदार ग्रेवी लग रही है। और ये है दाल तड़का, अगर आपको सिंपल येलो दाल खानी है तो ये दाल तड़का। और ये आप देख सकते हैं मिक्स वेज, मिक्स वेज भी देखने में बहुत बढ़िया लग रही है। और ये है पालक पनीर, ये देखिए पालक पनीर। और उसके बाद अगर हम बात करें तो गुलाब जामुन, स्वीट्स के लिए गुलाब जामुन पड़े हुए हैं यहाँ पे। ये देखिए सारा का सारा खाना कितना मज़ेदार लग रहा है, एकदम नीट एंड क्लीन नॉर्थ इंडियन फूड। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सारे के सारे स्टार्टर्स लग रहे हैं, एकदम मज़ेदार लग रहा है। पनीर टिक्का, मशरूम चाप, एकदम प्योर वेजिटेरियन ढाबा है ये, रेशम ढाबा। ये देखिए फ्रेंड्स, अगर आप मूर्थल आए हैं और मूर्थल वाले परांठे ही ना मिले तो फिर फ़ायदा ही क्या है। ये एकदम बढ़िया मूर्थल के परांठे लग रहे हैं, जिसको वाइट बटर के साथ एंजॉय करेंगे हम। ये देखिए फ्रेंड्स, अगर मूर्थल आ रहे हैं हम परांठे खाने, और ये एक ऐसी चीज़ है, परांठे इसके बिना अधूरे रह जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मूर्थल की चाय की। परांठों के साथ जब गर्मा गर्म चाय मिल जाती है और साथ में वाइट बटर परांठे के ऊपर, तो मज़ा ही आ जाता है। पंजाबियों के लिए तो इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। हम अपनी वेट की अब टर्न करते हैं, देखते हैं नंबर आया है कि नहीं आया। अभी नहीं आया, तब तक मैं आपको इसके बारे में बता दूं, रेशम ढाबा के बारे में। 24 आवर्स ओपन रहता है ये, और प्योर वेजिटेरियन ढाबा है ये। चलिए हमारी टर्न आ गई है, और ये टेबल क्लीन कर रहे हैं, यही टेबल हमें मिलने वाली है। तो देखते हैं, ये ट्रैक बना हुआ है और ये ट्रैक से एक ट्रेन आ रही है फूड लेके, लेकिन ये फूड हमारा नहीं है। देखते हैं किस पे जाता है। ये यहाँ पे अंदर चला गया, ये देखिए पीछे कुछ रखा हुआ है, और ये ट्रेन वापस भी चली गई। फूड सर्व करने का तो एकदम नया कॉन्सेप्ट है, देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है। और ये देखिए हर टेबल पे एक प्लेटफॉर्म बना रखा है उन्होंने, प्लेटफॉर्म नंबर 17 मिला है हमें यहाँ पे लिखा हुआ है, और उसके अंदर एक लाइट लगी हुई है। जब वो लाइट ऑन होगी तो इसका मतलब हमारे पास ट्रेन आएगी। और ये देखिए एक और ट्रेन, दो ट्रेन आगे जा रही हैं फूड लेके, और हर कोई उसको देख रहा है, वीडियो बना रहा है। ये मैं आपको तब तक मेन्यू दिखा देता हूँ, आप मेन्यू देखिए ताकि आपको रेट का आइडिया हो जाएगा किस रेट में क्या मिल रहा है और किस रेट में क्या मिल रहा है। वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से रेट्स देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं रेट्स, शेक्स देख सकते हैं, मैंगो शेक 185, पाइनएप्पल शेक 185, मिक्स बेरी शेक 210। और ये आगे मैं आपको दिखाता हूँ, तंदूरी स्नैक्स, अफगानी चाप रोल 280, मलाई चाप रोल 280। और ये आप देखिए पिज़्ज़ा एंड पास्ता भी है यहाँ पे, अनियन टोमेटो पिज़्ज़ा 299, चीज़ कैप्सिकम पिज़्ज़ा 299। और ये आगे देखिए मेन कोर्स, दाल मखनी 260, पनीर बटर मसाला 320। बाकी रेट्स के लिए आप वीडियो को पॉज करके रेट्स देख सकते हैं। और ये देखिए ट्रैक्स कैसे बना हुआ है, ये ट्रेन जा रही है एक और फूड लेके। और ये मैंने अपना ऑर्डर जो किया था मसाला डोसा, ये मसाला डोसा इन्होंने मुझे दे दिया, लेकिन ये ट्रेन में नहीं आया। तो मैंने इनसे पूछा कि ये ट्रेन में क्यों नहीं आया, तो इन्होंने बोला ये बड़ी प्लेट है तो ये ट्रेन में नहीं आती है, ट्रेन से गिरने का डर रहता है, गिर सकती है, इसलिए ये वैसे ही लेके आए। तो मैंने कहा ठीक है नेक्स्ट आइटम, लेकिन ट्रेन में आनी चाहिए। और ये आ गई यहाँ की स्पेशल आइटम, रेशम दा परांठा। ये ऐसे ही आता है बैल के साथ घंटी बजाते हुए, रेशम दा परांठा। देखिए कितना बड़ा परांठा है और कितनी सारी सब्जियां हैं। ये आप अकेले तो खा नहीं सकते, इसे खाने के लिए आपको दो तीन बंदे चाहिए साथ में, या आप पूरी फैमिली हो आपकी। और ये हमारी ट्रेन आ गई फूड लेके, हक्का नूडल्स का जो ऑर्डर दिया था वो भी हमारा आ गया है ट्रेन के ऊपर, ये आप देख सकते हैं। अभी पहले सारा ऑर्डर मंगवा लें, उसको खाने के बाद आपको मैं लास्ट में रिव्यू दूंगा कि फ़ूड कैसा है। जगह तो बहुत अच्छी है देखने में, क्योंकि न्यू एक्सपीरियंस है एकदम। अगर आपकी फैमिली में बच्चे हैं तो आपको यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए, एकदम नया एक्सपीरियंस होगा और बच्चे बहुत एंजॉय करेंगे। लेकिन फ़ूड का रिव्यू मैं आपको खाने के बाद देता हूँ कि फ़ूड कैसा है, बढ़िया है या नहीं है। और ये ट्रेन अभी तक वापस नहीं जा रही, मैं देख रहा हूँ कब वापस जाएगी। और देखिए ये ट्रेन वापस चलेगी एकदम बैक। और ये चटनी प्याज और एक और चटनी है, और वाइट बटर भी आ गया है।
और ये एक और ट्रेन जा रही है फूड लेके। यहाँ पे बैठ के आपको ट्रेनें तो दिखती रहेंगी ऐसे फूड लेके जाते हुए, और हर किसी के हाथ में आपको मोबाइल दिखेगा वीडियो बनाते हुए। और ये हमारी नेक्स्ट आइटम भी आ गई है, चीज़ कॉर्न पिज़्ज़ा। ये भी खा के देखते हैं कि कैसा है। देखिए ट्रेन के अंदर इन्होंने ड्राइवर भी बिठा रखा है। बाय बाय, वापस ही नहीं जा रही ट्रेन। देखते हैं, अभी तक खड़ी हुई है, जाने का नाम ही नहीं ले रही। अभी बैक जाएगी और ये चली गई, एकदम धीरे धीरे जा रही है और ये स्टॉप हो गई। ट्रेन स्टॉप भी हो जाती है बीच में। और ये देखिए चीज़ आप देख सकते हैं, देखने में बहुत यम्मी लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। बाकी खाने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैसा इसका टेस्ट है और फूड का रिव्यू कैसा है। और ये हमने सोडा लेमन वाटर भी मंगवाया है, वो भी आ चुका है। यहाँ पे बैठ के ये एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया है, बहुत मज़ा आ रहा है कि साथ से हर दो दो मिनट तीन तीन मिनट में ट्रेन जा रही है फूड लेके, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और ये हमारा तंदूरी प्लेटर भी आ गया है, और ये परांठा, आलू प्याज परांठा, और अभी साथ में दाल भी मंगवाई है, दाल भी आने वाली होगी। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अगर मूर्थल आए और मूर्थल का परांठा नहीं खाया तो मज़ा नहीं आएगा। और ये दाल भी हमारी आ गई है, दाल मखनी और आलू प्याज परांठा खाएंगे। और ये हमारी एक और आइटम हमने ऑर्डर की थी, वो भी आ गई है, वाइट सॉस पास्ता। लास्ट आइटम ट्रेन में आई है ये भी, वाइट सॉस पास्ता। अब इसको खाते हैं, बिल पे करते हैं और फिर उसके बाद आपको यहाँ का रिव्यू देता हूँ मैं। और ये देखिए जब भी कोई गोलगप्पे मंगवाता है तो ऐसे ही आते हैं ये लेके डमरू बजा के, डम 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 करके। और ये देखिए गोलगप्पे हो या फिर कोई मॉकटेल हो, ये भी सर्व करने का डिफरेंट एकदम तरीका है जो पहली बार मैंने यहीं देखा है। जैसे रेशम का परांठा मंगवाया था उसमें भी डमरू लेके जी आए थे। अब हम स्वीडिश की वेट कर रहे हैं, स्वीडिश आए और हम खाएँ और बिल पे करके चलें। ये देखिए यहाँ पर भी किसी ने गोलगप्पे मंगवाए हैं और ये डमरू लेके आए हैं, वो देखिए। और ये हमारी स्वीडिश आ चुकी है, गुलाब जामुन, इसको फटाफट से खाते हैं। और ये उसके बाद बिल के साथ गुड़ और सौंफ आई है, और ये हमने बिल पे कर दिया है, तो अब हम चलते हैं। फूड हमारा हो गया है। सबसे पहले बात करते हैं फूड के प्राइस की। अगर मैं इसके रेट्स बाकी ढाबों से कंपेयर करता हूँ जो इसके आसपास हैं, जैसे कि अमरीक, सुखदेव, पहलवान, तो उनके कंपैरेटिवली रेट थोड़ा सा ज़्यादा है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे हर कोई आना चाहेगा टॉय ट्रेन के चक्कर में कि जो फूड है ट्रेन पे सर्व होता है, रेट्स उनसे थोड़े से ज़्यादा हैं। द ओनली हाइप इज़ द फूड कमिंग ऑन द टॉय ट्रेन। मैं रात को यहाँ पे 9 बजे आया था और इन्होंने मुझे कहा था कि 10 से 15 मिनट की वेटिंग है, लेकिन वेटिंग में लग गया आधा घंटा क्योंकि भीड़ बहुत थी। हर कोई यहाँ पे आना चाहता है और टॉय ट्रेन वाली जगह पे बैठ के खाना चाहता है। हालांकि साइड पे भी सीटिंग है लेकिन वहाँ कोई नहीं बैठ रहा, हर किसी को ट्रेन में ही खाना चाहिए। सर्विस की बात करता हूँ तो सर्विस बहुत अच्छी है। अब बात करते हैं फूड की। फूड मैं कहूँ बहुत बढ़िया तो नहीं है। फूड को अगर मैं रेटिंग दूंगा तो मैं एवरेज ही दूंगा। हक्का नूडल्स मैंने खाए थे तो हक्का नूडल्स में तो मुझे इतना मज़ा नहीं आया। आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं जो कि मैंने जेल रोड की बना रखी है, वहाँ पे एक रेस्टोरेंट की, वहाँ के हक्का नूडल्स बहुत ही बढ़िया थे। बात करूँ परांठे की तो परांठा अच्छा था, डोसा जो खाया था वो बढ़िया था। फ्रेंड्स मैं जो भी रिव्यू देता हूँ एकदम ऑनेस्ट रिव्यू देता हूँ, तो ऑनेस्टली मेरा यही रिव्यू है कि यहाँ पे अगर आप आना चाहते हैं तो टॉय ट्रेन में फूड आएगा, वही एक हाइप है। बाकी अगर फूड की बात की जाए तो फूड को मैं नंबर दूंगा 10 में से 6 नंबर। लेकिन यहाँ पे आप एक बार आइए ज़रूर अपने बच्चों को लेके, क्योंकि एकदम न्यू एक्सपीरियंस होगा, टॉय ट्रेन में खाना आएगा। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिए। आज की वीडियो में इतना ही, गुड बाय।